और श्री कृष्ण ने कहा कि देखो ये धर्म, ये बल, ये पराक्रम, ये विद्या और ये भावना, इन सब के साथ, बड़े धीमे से स्वर में श्री कृष्ण ने कहा, इन सब के साथ जब मेरी भक्ति का समावेश हो जाएगा, क्योंकि तुम मूर्तिवंत मेरी भक्ति हो, जब मेरी भक्ति का समावेश हो जाएगा फिर इनके लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं रह जाएगा। और एक बड़ा बड़ा अद्भुत और बड़ा सूक्ष्म सा संदेश श्री कृष्ण यहाँ देते हैं, यदि जीवन परिवर्तन करना हो, वहां तो श्री कृष्ण युग परिवर्तन की बात कर रहे हैं, पर मैं यहाँ पर कहता हूं कि प्रत्येक कथा कुछ कहती है। एक और बात मैं यहाँ निवेदन करूं, हमारे यहाँ इतिहास में जो घटा, उन कथाओं का एक उद्देश्य है, एक सिद्धांत का सूत्रपात करती है प्रत्येक घटना। कथा कोई केवल कहानी नहीं है, कथा शब्द का उद्गम हुआ है कथम से, कथम कथम होता है क्यों, ये नहीं समझना चाहिए कि क्या हुआ, ये समझने की चेष्टा करनी चाहिए कि क्यों हुआ, कथम से कथा का उद्गम हुआ है, क्यों हुआ। प्रत्येक घटना कुछ सूत्रपात करती है, वो श्रीमद् भागवत का कोई प्रसंग हो, वो रामायण की राम कथा हो, या वो भगवत गीता का कोई वाक्य हो, या हमारे शास्त्र पुराणों में घटी घटनाएं, वो केवल काल क्रम में घटी घटना नहीं है, वो केवल कहानी सी नहीं है सुनने के लिए, उसमें उसके गर्भ में कुछ छिपा है, कोई बड़ा सुंदर सिद्धांत छिपा है उसके गर्भ में जो जीवन में परिवर्तन ला सकता है। यहाँ श्री कृष्ण एक बड़ा सुंदर और बड़ा सूक्ष्म संकेत कर रहे हैं कि अकेला धर्म शायद न कुछ कर पाए, धर्म के साथ बल भी हो, बल के साथ विद्या भी हो, विद्या के साथ पराक्रम भी हो, और पराक्रम के साथ सर्व के हित का सद्भाव भी हो, और इन सब के साथ श्री कृष्ण कहते हैं मेरे चरणों में समर्पण भी हो, तब जीवन में परिवर्तन आता है। एक और बात आपको बताऊं कि देवता और दानव केवल बाहर ही नहीं रहते, भीतर भी तो रहते हैं, कौरव और पांडव हमारे भीतर भी तो हैं। तो ये जीवन परिवर्तन करना है, जन्म जन्म से हम मनमुख होकर ये जीवन रूपी अवसर नष्ट करते आ रहे हैं, बहुत जन्म हम जन्म बिगाड़े। यदि चाहते हैं जीवन परिवर्तन हो, फिर ये कथा बहुत कुछ कहती है, ये घटना बहुत कुछ कहती है। श्री कृष्ण ने कहा, द्रौपदी संशय का कोई कारण नहीं है, तुम साधारण स्त्री नहीं हो, तुम इस मर्त्य लोक में जन्मी कोई मानवी नहीं हो, किसी स्त्री और पुरुष के काम के विकार के परिणाम स्वरूप तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है। अनेक अनेक ऋषि ऋत्विजों ने, मनस्वियों तपस्वियों तेजस्वियों ने अपने तेज, अपनी अपनी विद्या, अपने धर्म का बल देकर तुम्हें यज्ञ की वेदी से प्रकट किया है, तुम यज्ञ संभूता हो, अरे तुम अग्नि शिखा हो। श्री कृष्ण ने कहा, क्या अग्नि को भी कोई अपवित्र कर सकता है? अग्नि में अपवित्र से अपवित्र वस्तु भी आप डाल दीजिए, पर अग्नि अपवित्र नहीं होती। जैसे एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो पर जब मिल दो एक बरन भय सुरसरी नाम परो। गंगा जी की धारा में मैला कुचैला कोई भी जल आकर मिल जाए, गंगा की धारा में मिल जाने के बाद वो गंगा जल के समान ही पावन है, गंगा जल को कोई मैला नहीं कर सकता, गंगा सबको निर्मल करती है, पवित्र करती है, गंगा को कोई अपावन नहीं कर सकता। गंगा जी की पावनता ऐसी है, क्योंकि वो प्रभु के चरणों से संबंधित है, वो प्रभु के चरणों से प्रकट हुई है, उन्हें कोई अपवित्र नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने स्मरण कराए द्रौपदी को उसके दैवी गुण कि कृष्णा यज्ञ की अग्नि से तेरा प्रागट्य हुआ, तुझे कौन अपवित्र कर सकता है, इन पंच पतियों के साथ रहती भी तू इस संसार में सती कहलाएगी, ये मंगलाशीष है मेरा, इसे मेरा विधान, मेरी इच्छा, मेरी लीला मानकर प्रसन्न मन स्वीकार करो। महर्षि वेद व्यास ने कहा था, भाई अंतिम निर्णय द्रौपदी का होगा, पर भक्त का कोई अपना निर्णय नहीं होता भाई, भक्त के भगवान की इच्छा ही उसका प्रथम और उसका अंतिम निर्णय है, जो उसके प्रभु की इच्छा है। जहां नाथ रख दोगे और जैसे नाथ रख दोगे मैं वैसे रहूंगा। श्री कृष्ण का संकेत पाकर, थोड़ी सी वार्ता श्री कृष्ण से हुई और श्री कृष्ण का संकेत पाकर एक बार तो द्रौपदी ने अर्जुन की ओर देखा और फिर मन में विचार किया कि क्या इन सबकी इच्छा के विरुद्ध जाकर, यद्यपि अंतिम निर्णय मेरा है, और द्रौपदी यदि कह देती कि मेरा वरण अर्जुन ने किया है,
मुझे अर्जुन ने जय किया है और मैंने अर्जुन का वरण किया है, केवल अर्जुन की पत्नी होकर ही मैं रहूंगी, तो ये निर्णय सबको स्वीकार करना पड़ता, निर्णय सबको स्वीकार करना पड़ता। पर इससे प्रभु की इच्छा और प्रभु की लीला में कहीं ना कहीं विक्षेप उपस्थित होता। द्रौपदी ने अपने मन में विचार किया, जो जो प्राणी मात्र के सुख का विधान करते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, अरे जो मंगल भवन है अमंगल हारी हैं, जो प्राणी मात्र के सुख का विधान करते हैं, जो सुख सागर हैं, क्या उनकी इच्छा के विपरीत जाकर मुझे सुख मिलेगा? क्या द्रौपदी के वो जो जीवन मूल्य थे वो द्रौपदी के सन्मुख आकर खड़े हो गए, जब देखा माता कुंती की ओर, उस स्नेहमयी ममतामयी माता की ओर, और दिख रहा था, दर्शनीय था माता कुंती के आभा मंडल में कि कैसा संघर्ष से पूरित जीवन इस जननी ने जिया है, इसके जीवन में कितना कितना संघर्ष रहा है उसके आभा मंडल से प्रकट हो रहा था। जब जब रत्न को खराद पर उतारा जाता है ना, तभी उसकी प्रभा प्रकट होती है। पूर्व भी शायद मैंने कभी आपको कहा था, चंदन की जो सुवास है ना, वो खुरदरे पत्थर पर घिसने से प्रकट होती है। कोमल चिकने पत्थर पर चंदन नहीं घिसा जाता, खुरदरे पत्थर पर उसे घिसा जाता है, तब तब उसकी सुचिक्कणता, उसकी सुवास, उसका सद्गुण प्रकट होता है। और समेट कर कहूं तो देवता के चरणों में चढ़ने योग्य तो वो तभी होता है। चंदन की लकड़ी नहीं चढ़ाई जाती भाई, वो गुण उसमें छिपा है, उसके भीतर है, पर उसे प्रकट कराया जाता है एक प्रक्रिया के द्वारा, तब वो प्रभु के निकट जाने योग्य हुआ है, तब प्रभु के अंगों की शोभा बनता है, तब वो अंगराग बनता है। ऐसे ही मानव जीवन है, ऐसे ही मानव जीवन है। इसी मार्ग पर चलकर इस जीवन का वास्तविक सौंदर्य प्रकट होता है। तो दर्शनीय था माता कुंती के आभा मंडल में दिख रही थी श्री कृष्ण की वो अद्भुत भक्ति, माता कुंती के हृदय में उनके नेत्रों से छलकती करुणा, उनका पवित्र आभा मंडल बता रहा था कि ये कुछ और नहीं कि द्वारिकाधीश की भक्ति का ही प्रसाद हो सकता है। देखा युधिष्ठिर की ओर, अब मन शांत हो गया था, अब मन शांत हो गया था, अब मन के संशय छिन्न भिन्न हो गए थे, निर्मल हो गया था मन। और जब निर्मल मन से युधिष्ठिर की ओर देखा तो कहा कि इस पुरुष को देखकर तो केवल इसके चरणों में प्रणाम करने की इच्छा होती, केवल प्रणाम करने की इच्छा। और जब नकुल सहदेव की ओर देखा तो द्रौपदी को लगा कि ममतामयी माता बनकर इन पर अपना सारा वात्सल्य लुटा दूं। देखो, कल एक बात मैंने आपसे निवेदन की थी, अगर देह के धरातल पर हम संसार को देखते हैं तो संसार कुछ और है। देह के धरातल पर संसार को देखना अर्थात या तो स्त्री होकर देखना या पुरुष होकर देखना। स्त्री या पुरुष होकर संसार देखो तो संसार कुछ और है, और प्रभु के आश्रित एक जीव होकर यदि आप संसार को देखो तो संसार कुछ और है। पर क्या है ना, जिसकी जितनी सामर्थ्य है, जिसके मन बुद्धि की पहुंच जहां तक है, वो उससे अधिक की बात सोच ही नहीं पाता, उसकी सामर्थ्य में ही नहीं है, उसकी सामर्थ्य में ही नहीं है। ऐसा श्रेष्ठ जीवन भी जिया जा सकता है, इसकी कल्पना अस्मदादि साधारण लोग नहीं कर सकते। अरे ये तो वो संसार है भाई, जहां श्री कृष्ण की रासलीला पर कोई आक्षेप कर देता है, जहां प्रभु की प्रभुता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाता है, मनुष्य जाने कैसी कैसी बात प्रभु के लिए कहता है। और आज का मनुष्य क्या, अरे वहां शिशुपाल ने भरी सभा में श्री कृष्ण को ना कहने योग्य बात कही। तो ये तो संसार भाई ऐसा ही है। बड़ी बात ये है आपकी मेरी दृष्टि कैसी है। बड़े लोग कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी दृष्टि है वैसी ही सृष्टि है, आपको कैसा देखना आता है। इसीलिए गोस्वामी जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं, गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन। कि गुरु के चरणों की रज से आंजकर फिर संसार को देखना, फिर लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल,
लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई ला। इसीलिए इसी कथानक से प्रेरणा पाकर मैं बार बार आपसे कहता हूं, भाई ये ना समझना मार्ग बड़ा सरल है, मार्ग कठिन है, पर अगर ये सत्य है कि मार्ग कठिन है तो प्रभु ने आपको मुझे कठिन मार्ग पर चलने योग्य भी बनाया है। इसीलिए प्रभु ने मनुष्य बनाकर भेजा है। मैं तो कहता हूं नित्य प्रति स्मरण करिए, नित्य प्रति प्रभु को धन्यवाद दीजिए, नित्य प्रति कृतज्ञ होइए कि उन्होंने इस भारत भूमि पर मनुष्य बनाकर भेजा। खोज कर लाइए संसार में कहीं कोई कोना ऐसा है जिनके पास ऐसे श्रेष्ठतम आदर्श हो, है कोई कोना ऐसा? नहीं मिलेगा। ये मेरा इस भूमि के प्रति पक्षपात नहीं है भाई, ये सत्य है, सत्य है। इसीलिए संत कह रहे ज्ञान सहित नर देह वर भरत खंड में हुई। इससे अधिक प्रभु का कृपा प्रसाद और क्या मिलेगा भाई, जहां आपके मेरे पास कहने सुनने के लिए ऐसी पवित्र वार्ता है, ऐसी पवित्र वार्ता जिसका जिसका कथन श्रवण ही आपके आपके मेरे हृदय को ओज तेज बल उत्साह से भर दे। केवल इसका कथन और श्रवण, इसका चिंतन आपके आपके जीवन को महान बना सकता है। इन चरित्रों का चिंतन, तो द्रौपदी ने नतमुख होकर करबद्ध होकर माता कुंती के चरण स्पर्श करते हुए कहा कि आप सबका जो भी निर्णय है वही मेरा निर्णय है। और ये निर्णय द्रौपदी ने क्या विचार करके लिया कि किसी को पीड़ा पहुंचाकर यदि मैं सुख खोजूं तो ये निकृष्ट प्रयास होगा। ये निष्फल प्रयास तो होगा ही, पर ये निकृष्ट प्रयास होगा। और ध्यान रखना बाप, यहां तक आप और मैं आए हैं, यहां से एक बात जरूर मैं चाहूंगा कि आप मैं अपने पास संभाल कर रख लें कि किसी को पीड़ा पहुंचाकर यदि आप सुख खोज रहे हैं तो आप सुख प्राप्त करने का निष्फल प्रयास तो कर ही रहे हैं, पर निकृष्ट प्रयास भी कर रहे हैं। ये निकृष्ट चेष्टा है। यदि आप मन में कल्पना भी करते हैं ना कि किसी को पीड़ा पहुंचाकर, किसी को आहत करके, किसी को दुख देकर आप सुख पा लेंगे, तो ये बड़ा निकृष्ट प्रयास है। अगर मनुष्यत्व है तो वो आपको ऐसा नहीं करने देगा। स्वीकार कर लिया। और कहते हैं कि जैसे ही द्रौपदी ने स्वीकृति दी, इतने में पीछे से कृष्ण और बलराम का अनुगमन करते द्रौपदी के भ्राता दृष्टद्युम्न भी आ पहुंचे। निश्चित रूप से श्री कृष्ण कुछ संकेत देकर आए होंगे। कल मैं आपसे कह रहा था ना भाई, संत कहते हैं कि या तो इनके पक्ष में हो जाओ या इनको अपने पक्ष में कर लो, क्योंकि हवा तो भाई इन्हीं का रुख लेकर बहेगी, तिनका बयार के बस। हुई ही जो राम रचि राखा, को कर तरक बढ़ावई साखा। और उस दिन एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपको दिया था, मैं फिर स्मरण कराऊं। दो तिनके बह जा रहे हैं जल की धारा में, एक जल की धारा को रोकने का प्रयास कर रहा है, एक जल की धारा के साथ बह रहा है। किसके किसके पास आनंद है? उसी के पास ना, जो जल की धारा में बह रहा है। उसने स्वीकार कर लिया जल की धारा में बहना। ऐसे ही प्रभु की इच्छा में जो अपनी इच्छा मिला दे भाई, उसके सुख का, उसके परम सुख का, उसके जीवन में सच्चे सुख का आदान हो जाता है जो मिला दे। और मैं फिर दोहरा रहा हूं भाई, भक्ति की यही यही सुष्ठु परिभाषा है कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे। अपनी कोई इच्छा नहीं, अपनी कोई इच्छा नहीं। और इस भावना के मूल में भाई, इस भावना के मूल में फलवती श्रद्धा है और सुदृढ़ विश्वास है। ये भावना कोरी भावना नहीं है, इस भावना के मूल में दृढ़ विश्वास है। इस भावना के मूल में अपने इष्ट के प्रति प्रीति भी है और अपने इष्ट की प्रतीति भी है। कृष्ण ने आकर समाधान कर दिया, हट गए, छट गए विपदा के बादल। द्रौपदी का मन उत्साह से भर गया, प्रोत्साहित हो गई द्रौपदी कि अब मैं श्री कृष्ण की लीला में सहयोगिनी बनूंगी। वहां दृष्टद्युम्न आ गए, पिता के द्वारा भेजी गई अपार संपदा लेकर, श्री कृष्ण का संकेत पाकर पांचों पांडव माता कुंती द्रौपदी को लेकर पांचाल पहुंचे। विवाह का मंगल कार्य संपन्न हुआ। और देखो कैसी घटना द्रौपदी के जीवन में घटती है। प्रतिदिन पांच वेदियां बनी है, प्रतिदिन
पहले युधिष्ठिर के साथ, फिर भीम के साथ, और एक एक करके अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ द्रौपदी का पाणि ग्रहण होता है। और प्रत्येक पाणि ग्रहण के समय द्रौपदी वचन देती है कि मनसा वाचा कर्मणा मैं पति को समर्पित होकर रहूंगी। और द्रौपदी के मन में प्रश्न उठता है कि मैं अग्नि की साक्षी रखकर ये वचन दे रही हूं, पर क्या ये वचन पालन कर पाऊंगी? क्या ये पाप मेरे हिस्से नहीं आएगा? द्रौपदी के मन में प्रश्न है। और देखो, अभी जो आपसे मैंने निवेदन किया ना, श्री कृष्ण ने ना तो द्रौपदी को संसार के सुख का स्पर्श होने दिया, ना दुख का स्पर्श होने दिया। सुख दुख दोनों से बचा कर रखा, सुख में भी नहीं पड़ने दिया। क्योंकि माता कुंती ने ही कहा कि मैंने देख लिया प्रभु, सुख में आपकी विस्मृति हो जाती है, सुख में आपकी विस्मृति हो जाती है। कुछ लाता है ये संसार का सुख, कुछ कुछ प्रमाद, कुछ उन्माद लेकर आता है, कुछ लाता है ये ऐसा कि आप भूल जाते हैं। इसीलिए मैं तो आंचल फैलाकर, नेत्रों में जल भरकर आपसे यही मांगती हूं कि मेरे जीवन में विपदा बनी रहे, क्योंकि जब जब विपदा आई तब तब तुम आए केशव, जब जब विपदा आई तब तब तुम आए। संपत्ति तुम्हें लेकर नहीं आई, विपत्ति तुम्हें लेकर आई। सुख के माथे सिल पड़े नाम हृदय से जा, बलिहारी उस दुख के पल पल नाम। यहां मैं आपको अवश्य निवेदन करूंगा, भाई आप में हम सब साधक हैं, कभी कभी हमें लगता होगा हम भी भगवान के भक्त हैं, कभी कभी लगता होगा ना, हम भी भाई भगवान के भक्त हैं, हम भी साधक हैं। इस कसौटी पर स्वयं को जरूर कसना कि अपने इष्ट के, अपने आराध्य के विश्वास पर क्या दुख का स्वागत करने को आप तैयार हैं, आप प्रस्तुत हैं? क्या दुख का स्वागत करने को आप प्रस्तुत हैं? और यदि हैं तभी समझना इष्ट की प्रीति भी है और प्रतीति भी है। तो कबीर एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं, रे मन हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत, बिन रोए क्यों पाए, परम प्यारा मी। और कहते एक भी दिन द्रौपदी के नेत्र सूखने नहीं दिए श्री कृष्ण ने, सजल रहे। अभी निवेदन किया ना मैंने आपसे, द्रौपदी को सजग भी रखा और द्रौपदी को सजल भी रखा। वो सजग भी रही। कभी धर्म से च्युत नहीं होने दिया श्री कृष्ण ने, कभी धर्म पद से द्रौपदी का स्खलन नहीं होने दिया। और कल हमने इस विषय पर बड़े विस्तार से चर्चा की, भाई शक्ति के संचय में सुख है। धन शिथिल हो जाए तो पड़ी रहे सारी सुख सुविधा आपके निकट, व्यर्थ है। शक्ति के संचय में सुख है और जीवनी शक्ति स्वस्थ और सुरक्षित रहती है धर्म की छांव में। कैसी भी परिस्थिति आई पर श्री कृष्ण ने हाथ थामे रखा, द्रौपदी का धर्म पथ से स्खलन नहीं होने दिया, धर्म के मार्ग से उसे हटने नहीं दिया। कभी कभी तो ऐसी विपदा, ऐसा कष्ट आया कि जिसके सन्मुख मृत्यु की पीड़ा कुछ भी ना हो। आगे आप और मैं श्रवण करेंगे, चिंतन करेंगे, दर्शन करेंगे, ऐसी विपदा, ऐसा कष्ट जिसके सन्मुख मृत्यु का कष्ट कुछ भी नहीं, श्री कृष्ण मंद मंद खड़े मुस्कुराते रहे, लेकिन द्रौपदी को सजग रखा, धर्म पथ से नहीं हटने दिया, धर्म नहीं छोड़ने दिया। तो द्रौपदी को सजग भी रखा और द्रौपदी को सजल भी रखा, सजल भी रखा। सौम्यता में एक पुष्पों की डाली और दृढ़ता में वो उस चट्टान की सी जिसे बड़े से बड़े झंझावात भी अपने पद से डिगा नहीं पाए, हिला नहीं पाए। प्रश्न है द्रौपदी के मन में नित्य प्रति, 5 दिन हो गए, मैंने प्रत्येक वर का हाथ अपने हाथ में लेकर, अपना हाथ उनके हाथ में देकर, मैंने अग्नि को साक्षी मानकर वचन दिया है कि मैं मनसा वाचा कर्मणा आपकी होकर रहूंगी, पर क्या मैंने सत्य कहा है? मैं तो उनके हृदय के निकट नहीं जा सकता, पर कोई जा सके तो जाने का प्रयास करना चाहिए। कैसा हृदय होगा उसका, क्या स्थिति होगी उस हृदय की? कोई इस झंझावात में अपने लिए सुख की कल्पना भी कैसे कर सकता है? और ये कोई 2 या 4 दिन की बात नहीं है भाई, कि अब यही द्रौपदी का जीवन है, उसने स्वीकार कर लिया है इसे, यही द्रौपदी का जीवन है। कैसा कैसा उपहास संसार करेगा,
कैसी कैसी बात मुझे सुनने को मिलेगी, और आने वाली पीढ़ियां तो जाने कभी मुझे पहचान भी पाएंगी कि नहीं, कहीं अनंत अनंत काल के लिए मेरे हिस्से अपयश ही आए, अब कीर्ति ही आए, कैसे कैसे जीऊंगी मैं इस संसार में ये कलंक लेकर। मुझसे पूर्व क्या ऐसा कोई प्रसंग कभी उपस्थित हुआ होगा या भविष्य में कभी होगा? मन ही मन प्रार्थना करती है द्रौपदी कि मेरे बाद कभी किसी स्त्री को ऐसी स्थिति का सामना ना करना पड़े, ऐसी स्थिति कभी किसी स्त्री के जीवन में न आए। देखो भाई, अपने हिस्से की रोटी बांट देना सरल है, अपने हिस्से की रोटी बांट देना सरल है, अपने हिस्से की धन संपत्ति बांट देना सरल है, पर अपने मन को बांट देना सरल नहीं है, असंभव है। अपने मन को नहीं बांटा जा सकता, अपनी चेतना को खंड खंड करके कोई नहीं जी सकता भाई। और द्रौपदी के लिए श्री कृष्ण की यही आज्ञा कि इस संसार में अभिनय करना होगा, कृष्णा तुम्हें इस संसार में अभिनय करना होगा, इस संसार का होने का, और हर दिन नया अभिनय, हर दिन तुम एक नवीन पात्र बनोगी। युधिष्ठिर की इच्छा होगी कि तुम मंदिर के प्रांगण में बैठकर उनके साथ शास्त्र चर्चा करो, भीम चाहेंगे कि पाकशाला में खड़ी होकर उनके लिए सुंदर सुंदर व्यंजन और पकवान बनाओ, अर्जुन की इच्छा होगी कि तुम्हारे साथ वो आखेट के लिए जाए, नकुल कुछ और चाहेगा, और सहदेव कहेगा कि घर के आंगन में बैठकर शांत भाव से बस ग्रह नक्षत्र तारे तारिकाओं को निहारे, कैसे कर पाओगी? द्रौपदी मन ही मन विचार करती है कि अब श्री कृष्ण सखा है ना, तो उनसे शिकायत भी कर सकती है। सुना था तुम बड़े उदार हो, कोई तुम्हें एक हाथ से कुछ दे तो तुम सहस्रों हाथों से उसका प्रतिदान करते हो। मेरे जीवन में विपदा भी तुमने बड़ी उदारता से दी है, तुमने कृष्ण, पर तुम्हारे एक वचन का आश्रय लेकर मैं इस दावा नल में कूद पड़ी हूं, तुम्हारे एक वचन का आश्रय लेकर कि मुझसे दो पग आगे या दो पग पीछे तुम रहोगे, मेरी दृष्टि केवल तुम पर रहेगी। और वस्तुतः ऐसा ही हुआ भाई, नहीं तो पांचाली द्रुपद राज नंदिनी युधिष्ठिर प्रवृत्ति पंच पांडवों की पत्नी, पांडु कुल की पुत्र वधु, भरत वंश की साम्राज्ञी, अरे इतनी संपत्ति, इतना वैभव पाकर कौन होगा जो प्रभु को भूल ना जाए। लेकिन कैसी करुणा श्री कृष्ण की, इन सब के मध्य में रखकर श्री कृष्ण ने एक क्षण के लिए भी द्रौपदी को अपनी विस्मृति नहीं होने दी, सतत स्मरण बना रहा, कृष्ण 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 हे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण, कृष्ण हे कृष्ण, कृष्ण 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 हे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण, कृष्ण हे कृष्ण, 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 कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण, 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 हे। पांचों पांडवों से एक एक करके पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ। पांचों के प्रति समर्पित होना कठिन है,
कठिन क्या? असंभव है, पर इस असंभव को अब मुझे संभव करना है। अब इस असंभव को ही मुझे संभव करना है। कर पाऊंगी? अपनी ओर देखती हूं तो ये असंभव सदा असंभव ही रहेगा, पर जब देखती हूं आगे पीछे कृष्ण होंगे तो यात्रा सुगम हो जाएगी, यात्रा आनंदप्रद हो जाएगी। कुछ काल रहे पांचाल में पिता के यहां, और थोड़ा ही समय रहे थे, हस्तिनापुर से महाराज धृतराष्ट्र का संदेश आया। जब उन्हें ये शुभ सूचना मिली, महाराज धृतराष्ट्र ने संदेश भेजा कि अब पांडव हस्तिनापुर आगमन करें। बड़ा भारी उत्सव हस्तिनापुर में। जब हस्तिनापुर में प्रवेश किया पांचाली ने तो लगा कि जैसे वस्तुतः स्वर्गलोक ही उतर आया हो इस धराधाम पर। बहुत सुना था हस्तिनापुर के विषय में कि वो भारतवर्ष का सबसे श्रेष्ठ राजकुल है, सबसे श्रेष्ठ राजकुल। संपत्ति वहां सेविका बनकर रहती है, दिव्य विभूतियां उस स्थान का चयन करके उस स्थान को अपने तप से, अपनी विद्या से, अपने ज्ञान से सिंचित करती हैं। आज जब द्रौपदी ने देखा तो एक बार फिर अपने सौभाग्य का गर्व हो आया, एक बार फिर अपने सौभाग्य का गर्व हो आया कि इसी हस्तिनापुर की अब मैं साम्राज्ञी बनूंगी। जैसा अभी मैंने आपको कहा ना कि जैसे ही सुख आने को हुआ तब भी कृष्ण आ गए, और जैसे ही दुख आने को हुआ तब भी कृष्ण आ गए। पूर्व मैंने आपको कभी कहा था, भाई आप मंदिर जाते हो, दुख से बचने का प्रयास तो करते हो, पर क्या कभी प्रभु से कहा प्रभु सुख से भी बचा कर रखना? शायद नहीं कहा। ये तो सदा कहा कि दुख से बचा कर रखना, पर ये कभी नहीं कहा प्रभु सुख से भी बचा कर रखना। हमें खबर ही नहीं कि बांधने वाला दुख नहीं, बांधने वाला तो सुख है। दुख तो पीड़ा देकर चला जाता है। और संतों के वचन है भाई, अनुभव प्राप्त महापुरुषों के वाक्य हैं कि पीड़ा आत्मा का स्नान है, शुद्ध हो जाता है अंतःकरण, पीड़ा पाकर निर्मल हो जाता है। तो दुख तो आपको निर्मल करके चला जाता है, वस्तुतः तो बंधन में बांधने वाला सुख है, सुख भोग है। वो आपको भीतर से दुर्बल बनाता है, वो शक्ति का क्षय करता है। सुख भोग भोग कर ही जीवनी शक्ति क्षय होती है। आपको एक और बात मैं बताऊं, आप किसी अयोग्य अनधिकारी व्यक्ति को बहुत सुख पाते देखो, आपको लगे कि भाई ये व्यक्ति तो नितांत अनुचित कर्म करता है, कुमार्ग पर चलता है, और देखो इसके जीवन में कितना सुख है, कितनी संपत्ति है। बस यही देखना, इसके पीछे विधाता का यही विधान देखना कि उसका पुण्य क्षय कराया जा रहा है, उसका पुण्य क्षय हो रहा है। बस ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे आपको जिनके पास अकूत संपत्ति है, साधन है, संपन्नता है, सत्कर्म नहीं है। संपत्ति है, साधन है, सुविधा है, समृद्धि है, पर सत्कर्म नहीं है। यदि ऐसा जीवन देखो तो वस्तुतः वो जीव दया का पात्र है। हमारे शास्त्र कहते हैं तपोराज राजौ नरक। किसी ने पुण्य किया है, सत्कर्म किया है, उसके प्रभाव से उसको सुख मिलेगा, पर वो सुख क्षीण होगा। अच्छा एक और बात, सुख भोगते भोगते व्यक्ति की जीवनी शक्ति क्षीण होती है। आप श्रीमद् भागवत का यदि अध्ययन करें तो आप देखें कि हमारे यहाँ के चक्रवर्ती राजा प्रजा की वृद्धि से पहले जाकर कहीं वन में तप करते थे, पहले शक्ति का संचय करते थे, पहले शक्ति का आराधन करते थे, फिर उसका सदुपयोग करते थे। कल मैं आपसे कह रहा था ना, आज का संसार यदि देखो ना तो भाई आज के मनुष्य के पास तो सुख भोग की भी शक्ति नहीं है। यदि यदि वो अर्जित भी कर ले ना, वो सुख संपदा अर्जित भी कर ले, तो आज के मनुष्य के पास तो सुख भोग की भी सामर्थ्य नहीं है। उसके उसके शरीर में इतना बल नहीं है, उसकी बुद्धि में इतनी सामर्थ्य नहीं है, उसके भीतर इतना पुरुषार्थ नहीं है। देखो भाई, बढ़िया से बढ़िया भोजन व्यंजन आपके सम्मुख रखे हो, पर वो काम के तो तब है जो भूख हो। भूख नहीं तो किस काम के? भूख नहीं तो भोजन को देखकर भी अरुचि होती है, देखने का भी मन नहीं होता यदि भूख ना हो तो भोजन की ओर। भूख है तभी तो सुख है उस भोजन का। ऐसे जिसके जीवन में पुरुषार्थ है, जिसके जीवन में परिश्रम है, पुरुषार्थ है, वही वस्तुतः सुख भोग्य का अधिकारी है। शास्त्र का वचन है वीर भोग्य वसुंधरा,
इस वसुंधरा का भोग कोई वीर पुरुष कर सकता है, कोई श्रेष्ठ पुरुष कर सकता है, कोई पुरुषार्थी कर सकता है। तो आज के मनुष्य के पास तो सुख भोग की भी सामर्थ्य नहीं है। आधे से ज्यादा सेठ जी तो बीमार ही पड़े रहते, डायबिटीज है और हाइपरटेंशन है और जाने क्या क्या जंजाल लगा है। दो समय का भोजन भी उनके भाग्य में नहीं है, दो समय का भोजन भी नहीं है। आपको मैं बात सुनाया करता था ना, बहुत पहले मैं बहुत छोटा था तो सुबह सुबह जाता था महाराज जी भ्रमण करने, तो ये पड़ोस की एक महिला मिल गई एक दिन 5 बजे का समय जाड़े के दिन। मैंने कहा आप क्या कर रही हैं यहाँ, फिर काला कुत्ता खोज रही हूँ। मैंने कहा इसे घोर अंधेरे में काला कुत्ता किस लिए? बोलिए घी से चुपड़ी रोटी खिलानी है उसे। क्यों? तो अपने पतिदेव की ओर संकेत करती हुई कहने लगी, अरे वो बेचारे बीमार रहते हैं ना। तो पंडित ने कहा है कि सुबह सुबह अंधेरे में कोई देख ना ले, काले कुत्ते को ऐसी रोटी खिलाओ तो कुछ स्वस्थ हो जाएंगे। तो मैंने कहा ले, सब कुछ अर्जित करने में जी जान लगाई पतिदेव ने, और मैंने कहा कि कभी पतिदेव ने सुबह 5 बजे रोटी मांगी होती तो शायद आप पका कर नहीं देती। देखो पतिदेव के हिस्से की रोटी घी और तुम्हारा प्रेम खा कौन रहा है? काला कुत्ता। और सच्ची बात तो है भाई, झूठी घटना नहीं है, मैं सच्ची बात आपको बता रहा हूं। उसके हिस्से की रोटी, उसके हिस्से का घी, वो बेचारा दवाई खा रहा है, वो बेचारा कड़वी दवा खा रहा है, उसके हिस्से की घी रोटी और प्रेम सब काले कुत्ते के हिस्से आ रहा है। तो मैं तब में विचार कर रहा था भाई सब कुछ है पर व्यक्ति के पास सुख भोग की सामर्थ्य नहीं है भाई। कम से कम आज अपनी स्थिति देखते हुए, बाहर की परिस्थिति देखते हुए, यदि आज कोई बुद्धिमानी से विचार करे ना, तो ऐसा मैंने भगवत साक्षात्कार संपन्न महानुभावों के मुख से सुना है भाई, भगवत प्राप्ति करने के लिए तो ये स्वर्णिम युग है। और जुगनते कमल नयन कलिजुग बहुत कृपा करी। अगर जीवन थोड़ा है ना, अगर जीवन अल्प है, अगर मनुष्य के पास सामर्थ्य अल्प है, तो प्रभु भी बड़े अल्प से ही परिश्रम से मिल जाते हैं। पहले सहस्त्रों वर्ष का जीवन था, धरा और आकाश को एक कर देने वाली सामर्थ्य थी मनुष्य के पास, लेकिन प्रभु को प्राप्त करने के लिए वैसे 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 अनेक अनेक जन्मों का पुरुषार्थ भी था। और आज आज अगर मनुष्य के पास पुरुषार्थ नहीं है, अगर उसके पास आयु अल्प है, उसकी गतिमति अल्प है, तो प्रभु भी तो बड़ी अल्प सी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। केवल नाम का आश्रय प्रभु की प्राप्ति करा देता है। कोई एकनिष्ठ होकर यदि सत्संग का आश्रय ले ले तो भक्ति सर्व सद्गुणों के सहित उसके हृदय को अपना मंदिर बना लेती है, अपना स्थान बना लेती है। क्या ये प्रभु की कम कृपा है? एक बार बैठकर इसका विचार अवश्य करना कि थोड़ा सा जीवन और बड़े थोड़े से प्रयास से, अल्प से जीवन में, अत्यंत अल्प से प्रयास से प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। और फिर अपने देह की ओर देखो, अपनी सामर्थ्य की ओर देखो, किसके लिए छल कपट किया जा रहा है, किसके लिए अर्जित किया जा रहा है ये सब। अर्जित करके उसको उसका सुख भोगने की सामर्थ्य तो है नहीं। अर्जित करते करते शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, शरीर रोग का घर बन जाता है, किसके लिए? अगर सत्य की दृष्टि से देखोगे, अगर ज्ञान की दृष्टि से देखोगे, अगर विवेक से देखोगे, तो ऐसा जीवन केवल मूर्खता ही प्रतीत होगा, केवल मूर्खता। तो हस्तिनापुर पहुंची द्रौपदी, हस्तिनापुर का दर्शन किया तो अपने अपने मन में फिर गर्व और गौरव का उदय हुआ आया। कल एक और बात मैंने आपसे कही थी, जो इस संसार में है उसमें कुछ दुर्बलताओं का होना बड़ा स्वाभाविक है। सर्व सद्गुण संपन्न या तो प्रभु हैं और या फिर जिसे प्रभु बनाते हैं वो है, बाकी तो थोड़ा घना यहां गुण दोष सब में रहता है। मानव मन है तो उसमें कुछ दुर्बलता भी होगी। फिर से उस गर्व का उदय हो आया और श्री कृष्ण ने कहा था मैं निकट रहूंगा, आसपास रहूंगा, ठोकता पीटता रहूंगा, बाहर से चोट भी मारता रहूंगा, भीतर से संभालता भी रहूंगा। पर तेरे जीवन घट का बड़ा सुंदर सुंदर आकार निर्मित करूंगा, जिससे
जिससे सत्य के देवता का अभिषेक किया जाएगा। तो कहते बड़ा अद्भुत सत्कार हस्तिनापुर में हुआ। केवल एक विचित्र घटना घटी। कहते जैसे ही द्रौपदी पालकी से उतरी, कौरव खड़े थे भीष्म पितामह का दर्शन करके, तो द्रौपदी का मन एक प्रकार से उसी सच्चिदानंद से भर गया जैसी अनुभूति कृष्ण का दर्शन करके होती थी। भजवे को दोई सुघर कै हरिदास। केवल एक अंगराज कर्ण थे। द्रौपदी कहती है कि पहली बार मुझे ग्लानी हुई अंगराज कर्ण को देखकर। इस वीर पुरुष का मैंने सभा में अपमान किया था, ये वीर पुरुष अपमानित किए जाने योग्य नहीं था। कहां जन्म हुआ इसमें, इस वीर पुरुष का क्या नियंत्रण? जन्म और मृत्यु तो ईश्वर के अधीन है। ये परम पुरुषार्थी, परम तेजस्वी, मध्यान्ह के सूर्य के समान दमदमाता, इसका भाल सूर्य की कांति के जैसी, इसकी अंग कांति कैसे दिव्य कवच कुंडल। अरे क्या ये सूतपुत्र है? क्या ये सूतपुत्र हो सकता है? ये कोई देव शिशु है, ये जो कोई देव शिशु है जो किसी शापवश इस धराधाम पर आकर प्रकट हो गया है। ये निश्चित रूप से कोई देव कुमार है, इसका देवत्व इसके आभा मंडल से झलकता है। द्रौपदी कहती है पहली बार मुझे ग्लानि हुई, ये वीर पुरुष अपमान किए जाने योग्य नहीं था। क्यों मैं उस समय कुछ न कह पाई? क्यों सत्य के पक्ष में मैंने अपना उन्मुक्त स्वर प्रकट नहीं किया? क्यों मैं ये बात न कह पाई? और कहते हैं कि उस समय जो अपमान हुआ था, कर्ण के नेत्रों में कहीं ना कहीं उसके प्रतिशोध की भावना झलक रही थी। द्रौपदी देख नहीं पाई कर्ण की ओर। पूर्व में मैंने आपको निवेदन किया था, क्षत्रिय कुछ भी करेगा, कर सकेगा, लेकिन वो अपना अपमान सहन नहीं कर सकता। क्षत्रिय का तेज ऐसा ही होता है, वो अपना अपमान सहन नहीं कर सकता। वो केवल सत्कीर्ति के लिए जीवन धारण करता है। देखो हमारे यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि शास्त्रों ने सबका गुण बताया है, सबका धर्म बताया है, सबकी जीवन शैली बताई है। तो द्रौपदी कहती है कर्ण का सामना नहीं कर पाई, मुझे नत होना पड़ा। मुझे लगा कि बस अब और एक भी घड़ी यहाँ सन्मुख ठहरना ना पड़े। पहली बार ग्लानी हुई, मन पश्चाताप से भर गया। पर द्रौपदी ने कहा मेरे पास प्रत्येक प्रश्न का सदा एक ही उत्तर रहा है, कृष्ण की इच्छा थी, उन्होंने ही मुझे संकेत किया था कि ना करो, कि मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। मैं तो जानती भी नहीं थी, मेरा कोई परिचय भी नहीं था। उन्होंने मुझसे संकेत किया था कि सूत पुत्र से विवाह नहीं करोगी तुम, कृष्ण की इच्छा, ये कृष्ण की इच्छा। और कहते हैं कि उसके पश्चात जीवन ने एक नया मोड़ लिया। पांडवों को खांडव प्रस्थ दिया गया और खांडव प्रस्थ को पांडवों के पुरुषार्थ ने कुछ ही काल में इंद्रप्रस्थ में परिवर्तित कर दिया। कुबेर की अलकापुरी का वैभव, इंद्रलोक की शोभा। और कहते हैं महाराज युधिष्ठिर का जो राज सिंहासन था, उसे तो विश्वकर्मा ने कुछ इस प्रकार से बनाया था कि उस राज सिंहासन का दर्शन करके इंद्र की इच्छा हो कि मैं भी स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर और इसी पर आरूढ़ हो जाऊं। कहने का तात्पर्य कि प्रभु की कृपा से पांडवों के पुरुषार्थ ने खांडव प्रस्थ, निर्जन वन जैसा बंजर भूमि, उस खांडव प्रस्थ को पांडवों ने अपने पुरुषार्थ से इंद्रप्रस्थ बनाया।